गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टुडे फाइनली वी आर शूटिंग फॉर रिएक्टिंग टू आवर ओल्ड पिक्स एंड वीडियोस पार्ट टू. सो अगर आपने हमारा वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट. इट इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट वीडियोस ऑन दिस चैनल. आपको फर्स्ट बार बहुत अच्छा लगा था तो हमारे पास एक और हार्ड डिस्क थी तो हम उससे आज वीडियोस देखेंगे. लेट्स गो. हम करेंगे फुल टेक्निकल बाजी. ड्रामेटिक म्यूजिक डाल देना. कजन्स है बीच में, मैं और बाजू में नकजी और बाकी सारे हमारे कजन्स है मम्मी के साइड के. राजस्थान का मम्मी. क्या क्या बोले ढंग से करो. टीवी पे आएगा. मीडिया में जाएगा. टीवी पर आएगा. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस. इंट्रो दे रही हूँ मैं. इंट्रोड्यूस किया था आप लाइक अब आपको बताएंगे हम सभी क्या करते हैं. आपको जो फोटो दिख रही है ना अभी, ये मैं मिर्जापुर गया था. मिर्जापुर गया था लास्ट टाइम. ये एक गंदा जोक मारा था. Vacation every single day, cause I love my occupation. तो ये लोग actually न्यूयॉर्क गए थे जब इंग्लिश विंग्लिश के शूट के लिए. वहाँ की फोटोज हैं. गाइस हमारे हाथ में कैमरा है. मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ. ठीक है, हम लोग जब यहाँ जा रहे थे तो आपको लिबर्टी आइलैंड से एक फेरी लेनी होती है, फिर वो फेरी आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए लेके जाती है. तो हम लोग वहाँ पे फेरी की लाइन में खड़े थे. तो शिवांश और पापा पीछे थे हमारे और मैं और मम्मी थे और दो दो जन की लाइन थी. तो हमारे आगे ना एक कपल खड़ा था. तो वो हम लोग ना वैसे ही वहाँ पे बहुत ज्यादा पीडी होता है. पीडी मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. लाइक पीपल वहाँ पे बहुत मतलब इंडिया में तो अभी होने लगा है. 2010 2011 में थोड़ी ना इतना पीरियड होता था. तो वहां पे मम्मी बहुत ऐसे हो जाती थी लोगों को किस करता हुआ देख. एंड इट वाज न्यूयॉर्क ब्रो. लाइक ऑब्वियसली एंड इट वाज वेरी क्यूट. इट वाज वेरी कॉमन. तो मैं वैसे ही थोड़ा ऐसे हो जाती थी कि और मम्मी मेरे को बोलती थी देखो बेटा कैसे है ये लोग. तो अभी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है बट तब मम्मी के लिए भी नया नया था. तो फिर क्या हुआ, तो हम लोग ना वो लाइन में खड़े थे फेरी की. हमारे आगे कपल खड़ा था. तो मैं ना इतने से यही सोची थी यार ये लोग यहाँ पे किस किस करना चालू हो गए तो मम्मी मेरे को सुनाने लग जाएगी. तो मानेगा नहीं, वो लड़का ना अपना बम खुजा रहा था. और मैं यार क्या है मतलब हम लेजेंड तुम्हारे पीछे खड़े अब अपना बम खुजा रहा था और तू मानेगा नहीं फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका बम खुजाया. मम्मी मेरे को देखी, मैं मम्मी को देखी, मेरे का मम्मी मम्मी बोलते ये चलता है बेटा. मैं कहता नहीं मम्मी तो ज्यादा हो गया. और वैसे भाई तुम लोग किस कर रहे हो, ठीक है ये क्या है, तुम का बम खुजा रहे हो. बहुत ऑकवर्ड था वो. चड्डी में घूम रहा है कपड़े खोल दिए डंगा घूम रहा है. लेजेंड ऑफ द सेम लाइफ. हमारे साथ ऐसे ही होता है. ओ भाई I seriously can't be proud enough. And you tell me I wasn't funny. That's a cute outfit, bro.
डंगरी इतना इरिटेट होता था ना मेरे को डंगरी पहनने में, कुछ दर्द दिख रहा है वो घोल देता था मैं डंगरी हर 2 सेकंड में। हमने एक्चुअली इनके पूरे मूवी में एक ही फोटो खींची थी इनके साथ, एंड वो भी हमें याद है, हम गए थे उनके पास और हमने पूछा था मैम कैन वी क्लिक अ पिक्चर विद यू, और मैम हंसने लग गई थी पूरी पिक्चर कर ली और तुम अभी फोटो खींच रहे हो, एंड वी क्लिक द पिक्चर, वेरी स्वीट शी वाज। फ्रॉम माय रूम इन न्यूयॉर्क, इट्स इन किम्बर्ली होटल, इट्स नो आई कांट, so short glance of this full room. This is the fake answer I was talking about. This is so fake. I hope. Bathroom. Bag. Let's go. मेरे को पता है embarrassment हो रहा है. This is like first and second and embarrassment at the same point. No. Thank God YouTube नहीं था तभी मेरे पास. वाह वरना ये यूज़र YouTube पे डाल देती यार. इतना क्यूट है यार. ये इंग्लिश इंग्लिश के साथ ही. अरे मेरे को पोस्ट करना नहीं आता था, मम्मी डांटती थी. ये अच्छी फोटो है ब्रो. हाँ. क्या कूल डूड लग रहा है इसपे. अरे बचपन से कूल डूड 69 हूँ मैं. ये मारिसा, ओह माय गॉड क्या मस्त है ना. क्या बढ़िया दिखते थे अपन दोनों. वोंट गेट द मीम. लेट्स गो अमिताभ बच्चन टाइम. अगर मेरे को धूप में अपने मुंह बनाने आता तो कितनी अच्छी फोटो होती. मैं धूप में जाती मेरी आंख ऐसे ही रहती. मैं भी ऐसे दूं ऐसे. मेरे को शूट में भी कितनी दिक्कत आती थी पता है. अरे भाई डायरेक्टर परेशान था इस चीज से कि मैं धूप में ऐसे 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 बोलते थे. डील ऑफ द डे के थ्रू आप ये अमेजिंग कुर्ती ले सकते हैं जो ऐसे तो 599 की है, बट मेरा लिंक से शॉपिंग करने पे आपको ये 499 की मिलेगी. There's 10% डिस्काउंट फॉर न्यू कस्टमर्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप. There's free delivery and 5 days return and exchange policy. But ये सिर्फ 24 hours के लिए है, so जल्दी से description में मेरा link check कीजिए. ये है मीरांशी का रेयॉन प्रिंटेड नेवी ब्लू स्ट्रेट कुर्ता विथ राउंड नेक एंड 3/4 स्लीव्स एंड इट्स फॉर 499 रुपीज ओनली. ये है नेहा ब्लॉक प्रिंटेड रेयॉन कुर्ता विथ शरारा. इट हैज अ राउंड नेक विथ 3/4 स्लीव्स एंड इट्स फॉर 799 रुपीज ओनली. यह है कुर्तीपीडिया का एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता एंड प्लाजो सेट. It's in rayon material with a round neck, 3/4 sleeves and it's for 999 rupees. ये है गोसी रिकी का 3-piece set with a black kurti, pant and dupatta. It's for 799 rupees only. It's in rayon material and it has round neck with 3/4 sleeves. ये है अन्नी डिज़ाइनर की रेड प्रिंटेड अनारकली. It has a round neck and it's in rayon material and it's for 749 rupees only. Bro, this day इतना सुंदर था. हमने पहली बार snowfall experience किया था. ओ भाई बहुत सुंदर था. ओके सर, आई रिमेम्बर दिस होल. इट वाज लाइक कंप्लीटली वाइट और इतना मजा. हमने स्नो एंजल्स बनाए थे, बट उस दिन स्नो थोड़ी गीली थी तो हमारा स्नोमैन टिक नहीं रहा था और अगले दिन शूट था तो हमें टाइम नहीं मिला, बट उस दिन तो हमने जो मजे किए थे ना स्नोफॉल में. क्या सुंदर दिन था ये, याद है आपको? बहुत था ये. स्नोफॉल के एक दिन पहले का दिन था. फॉल हो रहा भैया आप रियल हो ना. मेरे को डर नहीं लगता. मेहरबानी वही तो बना. मेरे को डर नहीं लगता भैया आप रियल हो ना. एक्सप्रेशन ले लिया. ओ हैंड अवॉन टाइना बैक्स म्यूजियम. क्या बोला इसने वही. अरे जूस पीवानू खाना खावानू मजा नहीं लाइफ जो. ओ ओ पापा ने अपने के तो मम्मी भी करी. हाँ तो प्रेसिडेंट थे ना लोग. मेरी जिंदगी इधर भी ट्रेन में ही है. ब्रुकलिन ब्रिज.
जो चल चल के थक गए थे हम। अरे क्योंकि हम खो गए थे उसमें न्यूयॉर्क में, कुछ तो ईस्ट वेस्ट का था, कुछ तो था, मेरे को याद नहीं। अरे अरे यू दिस व्हाट हैपेंड आई टेल यू दिस ना, दिस वाज लाइक ऐसे लटका हुआ था वो, एंड ये वेरी सॉफ्ट था। तो पापा ना कोई तो चेयर पे बैठने जा रहे थे और मैंने रख दिया, पापा इसमें बैठे वो घूमे ना तो देखे तो वो डर गए थे। मैं 15 मिनट तक मैं इतना हंस रहा था, वो लेजिट उनको मेरे को रोक के पानी पिलाना पड़ा था। मैं इतना आई स्टिल रिमेम्बर इट, इट वॉज सो एपिक। एंड मैं फिर एंड में इतना हंस रहा था ना वो उसके प्रैंक के बाद कि पापा खुद डर गए कि इसको कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज यूज टू यू ना हंस हंस के बेहोश हो जाती थी, रो रो के बेहोश। सो उनको लगा ये भी वैसा ही है उनकी जो, आई स्टिल रिमेम्बर मैं हंस रहा था कि पापा की बढ़ गई। सो आई एम अबाउट टू बी एम्बैरस्ड सो बैड राइट नाउ। हमने एक गाड़ी देखी जिसका चाबी यहाँ पर ही है, पर हम अच्छे बनेंगे तो ये चाबी नहीं चुराएंगे, पर धांतु जैसे लोग का थैंक यू। मैं बहुत चुदा था, प्लीज डोंट जज मी एंड माय फ्रेंड। वो ये सारे मेरे को बेचारा टेडी बेयर आधा लाइन तो इससे ज्यादा हंसते हमारी दिलाफ एकदम सेम है। ओ, आपको पता है, आपको पता है, हम लोग जब न्यूयॉर्क गए थे सेंट्रल पार्क, आई थिंक हमारा पहला दिन था घूमने का, और उसने हमसे पूरे 50-100 डॉलर लिए थे बग्गी में बिठाने के लिए, जो था ना हॉर्स के पीछे, $100, और हमने दिए थे, और तभी 50 रुपीज था एग्जैक्ट, मेरे को याद है, बिकॉज़ इट वाज वेरी इजी टू कैलकुलेट एवरीथिंग मल्टीप्लाई। हमने 5,000 रुपए दिए थे वो बग्गी में बैठने के लिए, जो लेजिट में बचपन से नरिमन पॉइंट के यहाँ पे बैठती थी जब हम स्टेटस होटल में खाने जाते थे। 5,000 So yes, thank you guys. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share and comment. Sorry. And follow us on Instagram. My handle is shimaz.kotia. And my handle is navik_kotia. And we will see you in the next video. Bye. Watch out. Yeah.